Assalamualaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. As we have started unit number 3, that is gases, and in the previous video we discussed about application of Dalton's law. Now in this video we'll discuss about diffusion and effusion. So let's get started. आज हम डिस्कस करेंगे जी डिफ्यूजन के बारे में. सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं पहले टॉपिक्स में, उसके अकॉर्डिंग क्या था जी कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं हैजर्डली. उसके बाद वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ विद द वॉल ऑफ कंटेनर्स और चेंज करते हैं अपनी डायरेक्शंस को. ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस जो होते हैं जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और विद वॉल ऑफ कंटेनर, या एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे वॉल ऑफ कंटेनर्स के साथ कोलाइड करेंगे तो वो क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं. तो हम कह सकते हैं कि कोलिजन के बाद क्या होती है, जो गैस होती है या गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं. जैसे कि अगर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर एक बॉक्स नजर आ रहा है. इस बॉक्स में हम लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक पार्टीशन ली गई है और इस पार्टीशन के एक साइड पर गैस मौजूद है, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स, एक गैस मौजूद है जिसके मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरी तरफ वैक्यूम है, यानी कि यहाँ पर कोई गैस मौजूद नहीं है. तो अगर यहाँ से क्या करें, हम यहाँ से अगर पार्टीशन को हटा दिया जाए तो हम देखेंगे कि फौरन ही जैसे ही हम पार्टीशन को हटाएंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स एक साइड पे थे वो सारे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे एक बॉक्स के अंदर. मीन वो सारे क्या करेंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, उस पूरे बॉक्स के वॉल्यूम को वो कवर कर लेंगे. पूरे बॉक्स के अंदर जो गैस के पार्टिकल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, वो उस सारे बॉक्स को फिल कर लेंगे. तो इस चीज को बेसिकली हम लोग क्या कहते होते हैं जी, डिफ्यूजन. ये डिफ्यूजन बेसिकली होती किस वजह से है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल, जो कोलाइड करते हैं अमंग देमसेल्व्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, इसकी वजह से वो डायरेक्शन चेंज करते हैं और वो जो पार्टिकल्स होते हैं आफ्टर कोलिजन, दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस गेट स्कैटर्ड. सो स्कैटर होना मीन्स बॉक्स को उन्होंने क्या कर दिया है, सारा का सारा फिल कर दिया है. सो यहाँ पे ये क्या हो गई, डिफ्यूज हो गई गैस. पार्टीशन के जब पार्टीशन लगी हुई थी तो गैस सारी एक साइड पर मौजूद है, लेकिन जैसे ही हमने इस पार्टीशन को हटाया, पार्टीशन के हटाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी गैस है वो इस बॉक्स में डिफ्यूज हो चुकी है. इस चीज को डिफ्यूजन कहा जाता है. तो अगर अब हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन देख लें तो वो क्या होगी कि ये जो स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ऑफ वन गैस विद अनदर गैस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन. लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर हम देखें जी यहाँ पर इस साइड पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दूसरी साइड पे हमारे पास है ऑक्सीजन. लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉप कॉक लगा हुआ है, यानी कि ये जो है ये क्लोज है. ठीक, एक गैस जो है यानी कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ये एक जगह से दूसरी जगह अभी मूव नहीं कर पा रही है. लेकिन जैसे ही स्टॉप कॉक को हम लोगों ने ओपन किया तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स हैं वो मूव करके यहाँ से इस जगह पर आ गए, इस फ्लास्क की तरफ आ गए हैं. ठीक, तो ये इट मीन्स कि जैसे ही हम लोगों ने पार्टीशन हटाई तो वो जो हाइड्रोजन गैस है वो डिफ्यूज हो गई है किसमें, ऑक्सीजन के गैस में. ठीक है, वहां पे उसने क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया. फिर जैसे सम टाइम आफ्टर द स्टॉप कोक ओपन, यानी कि कुछ देर के लिए जब हम लोगों ने उसको खुला रखा, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो दोनों साइड्स हैं इसकी, उन दोनों साइड पे सेम गैस मौजूद है. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों साइड्स पे जो गैसेस हैं उन्होंने क्या किया है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया है. कुछ देर के बाद होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, तो इस चीज को हम लोग कहेंगे गैस डिफ्यूजन हो गई है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस जो हैं वो आपस में डिफ्यूज हो गई हैं. इस चीज को कहते हैं हम
डिफ्यूजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मौजूद थी जब स्टोव को क्लोज था। जैसे ही हम लोगों ने स्टोव को ओपन किया, एक गैस मूव करना शुरू कर दिया दूसरी गैस की, यानी दोनों गैसेस जो थी उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में ऐड होना शुरू हो गए और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में ऐड होना शुरू हो गए। सिमिलरली फिर हम लोगों ने देखा कि थोड़ी देर के बाद जब हम लोगों ने उस चीज को नोट किया, तो हम लोगों ने ये देखा कि कुछ देर के बाद ये दोनों गैसेस जो थी उन्होंने एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया था। तो दिस इज नोन एज गैस डिफ्यूजन। एक और एग्जांपल लेते हैं जी। अब यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है, इसकी एक साइड पर ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन गैस मौजूद है जिसके ये ब्राउन और ब्लैक पार्टिकल मौजूद है, और दूसरी तरफ हम लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पार्टिकल जो है वो मौजूद है। इनके दरमियान पे लगी हुई है एक पार्टीशन। अब जैसे ही इस पार्टीशन को हटाया जाएगा, तो पार्टीशन के हटाने के बाद क्या हुआ, गैस डिफ्यूजन हो जाएगी। मींस कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो आपस में क्या करेंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे। ये दोनों गैसेस आपस में मिक्स हो जाएंगी। बेसिकली डिफ्यूजन में होता क्या है, डिफ्यूजन में ये होता है कि जो डिफरेंट अलग अलग सेपरेट गैसेस होती हैं, उन गैसेस का असल मकसद ये होता है कि वो दोनों अलग अलग गैसेस जो हैं वो इक्वली पार्शियल प्रेशर अप्लाई करें ऑन द बॉक्स या ऑन द वेसल। सही, तो वो अपना पार्शियल प्रेशर जो है वो इक्वली अप्लाई करना चाहती होती है दोनों गैसेस। सो इस वजह से क्या होती है, डिफ्यूजन हो जाती है। ठीक, उसके बाद है जी हमारे पास, अब हम देखते हैं कि डिफ्यूजन की प्रैक्टिकल लाइफ में कौन कौन सी एग्जांपल आ सकती है। पहली एग्जांपल है हमारे पास जी परफ्यूम्स वगैरह, या कोई भी जो फ्रेग्रेंस होती है, स्प्रेड ऑफ अ फ्रेग्रेंस जो होता है, दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। अगर परफ्यूम्स वगैरह या फ्लावर की स्मेल हो गई, तो ये बेसिकली क्या होता है, डिफ्यूजन होती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे परफ्यूम्स की अगर हम एग्जांपल लें, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में जाके। तो जब वो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो गए, तो डिफ्यूजन की एग्जांपल आ गई। ठीक, उसके बाद है, अगर हम लेट सपोज हमारे पास है कि एक हम लोगों ने फ्लास्क लिया है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इंक का एक ड्रॉप डालें, तो हम मतलब उसके अंदर अगर हम इंक डालते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि वो डिफ्यूज, अभी ये डिफ्यूज नहीं है, तो हम लोगों को ये अलग से नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, सारा जो इंक होगी वो उसके अंदर क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, वाटर के अंदर वो डिफ्यूज हो जाएगी। इंक के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे, उसकी हो जाएगी डिफ्यूजन। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद है जी हमारे पास इफ्यूजन। अब हम देखते हैं इफ्यूजन क्या होता है। इफ्यूजन बेसिकली होता है कि is its movement, diffusion of a gas is its movement through extremely small opening into a region of low pressure. Abhi hum logon ne diffusion mein discuss kiya ki ek partition lagi hoti hai. Ab diffusion aur effusion mein difference kya hai, ki effusion mein jo hum log partition lagayenge, us partition mein ek small sa hole hoga. Effusion is basically the movement of gas from small hole. होल से जो गैस होती है वो मूव करती है, उस चीज को हम लोग कहेंगे इफ्यूजन। और ये बेसिकली इफ्यूजन जो होती है, इट इज नॉट ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द गैस पार्टिकल, बट इट इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। एक जगह हाई प्रेशर है, एक जगह लो प्रेशर है, तो जो गैस होगी वो मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जैसे कि हम लोगों को यहां पर नजर आ रहा है कि पार्टीशन हम लोगों ने लगाई हुई है, और उस पार्टीशन के दरमियान जो है वो होल मौजूद है, तो जैसे ही पार्टिकल जो हैं वो इस होल के करीब आएंगे, तो वो इस होल के अंदर से एक साइड से दूसरी साइड पे जो गैस है वो मूव कर जाएगी। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं इफ्यूजन, इफ्यूजन ऑफ अ गैस कहा जाता है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बलून है, और बलून के अंदर क्या है जी, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, एयर के पार्टिकल्स मौजूद है, या गैस कोई मौजूद है, लेकिन जैसे ही उस बलून के अंदर कोई होल हो जाता है, कोई होल क्रिएट अगर हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं जब वो मूव कर रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग मूवमेंट अगर कोई पार्टिकल इस होल के करीब आया, तो वो इस होल से बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इफ्यूजन। बेसिकली बलून के अंदर अगर कोई सुराख हो जाए,
और उसकी हवा जो कम होती है वो बेसिकली इफ्यूजन का प्रोसेस होता है। अब हम लोग देख लेते हैं जी डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो सबसे पहले है जी हमारे पास इफ्यूजन। तो सबसे पहले क्या है जी, इफ्यूजन की डेफिनेशन मींस लिखी हुई है कि इफ्यूजन बेसिकली हैपेंस व्हेन द गैसियस मॉलिक्यूल टेंड टू एस्केप थ्रू अ पिन होल इनटू द वैक्यूम। यानी कि एक होल के थ्रू जो टेंडेंसी होती है गैसियस मॉलिक्यूल की, वो एस्केप करते हैं थ्रू पिन होल इनटू द वैक्यूम, उस चीज को हम लोग कहते हैं इफ्यूजन। नेक्स्ट चीज है जी डिफ्यूजन का, अगर हम लोग देखें पहला पॉइंट, तो डिफ्यूजन हमारे पास क्या है जी के ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वन गैस टेंड टू मिक्स विद अदर जनरली बाय थर्मल रैंडम मोशन विच रिजल्ट्स इन द कोलिजन बिटवीन ईच द गैसेस व्हाइल इट रिलीजेस मॉलिक्यूलर एनर्जी। यानी कि दो जो गैसेस होती हैं उन दोनों के जो मिक्सअप हो जाता है कोलिजन की वजह से, तो उस चीज को हम लोग कहेंगे डिफ्यूजन। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है जी के इफ्यूजन रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ गैस टू ट्रेवल थ्रू अ टाइनी ओपनिंग। वही बात है कि ये एबिलिटी होती है गैस की कि वो ट्रेवल करता है थ्रू अ टाइनी ओपनिंग। और डिफ्यूजन क्या है जी हमारे पास, डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ गैसेस टू मिक्स जनरली व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ बैरियर। यानी कि अगर बैरियर या जो पार्टीशन है हमारी उसको अगर हम हटा देंगे तो उसकी एब्सेंस में जो गैस की एबिलिटी होती है, दो डिफरेंट गैसेस जो होती है वो आपस में क्या कर जाती है, मिक्स कर जाती है। तो ये जो गैसेस की एबिलिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। नंबर थर्ड इज इफ्यूजन टेंड टू अकर व्हेन द अपर्चर और साइज ऑफ द होल इज मच स्मॉलर कंपेयर्ड विद फ्री पाथ ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल। यानी कि इफ्यूजन उस वक्त होती है जब जो होल का साइज है वो इतना छोटा हो, यानी कि फ्री पाथ जो होता है कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल का उससे स्मॉल अगर होल का साइज होगा तो उस टाइम पर इफ्यूजन होगी, अदरवाइज इफ्यूजन नहीं होती है। और डिफ्यूजन क्या है जी, डिफ्यूजन टेंड्स टू अकर व्हेन देर आर नो होल्स प्रेजेंट और व्हेन द होल्स इन द बैरियर आर मच लार्जर। या तो होल प्रेजेंट ना हो या फिर अगर होल्स हों तो वो मीन फ्री पाथ से बहुत ज्यादा बड़े हों, तो उस टाइम पे हम उसको डिफ्यूजन कहेंगे। अगर वो मीन फ्री पाथ ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल से स्मॉलर हैं होल्स तो इफ्यूजन होगी, और अगर होल्स नहीं हैं या फिर होल्स जो हैं वो फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल से बड़े हैं तो उस टाइम पे डिफ्यूजन होगी। उसके बाद है जी हमारे पास ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन पार्टिकल्स टेंड टू मूव फास्टर देन डिफ्यूजन सिंस देयर इज नो कोलिजन अकरिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल। जब इफ्यूजन होती है यानी कि जब एक होल के अंदर से मॉलिक्यूल्स जो है वो निकल रहे होते हैं तब उनकी स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है बनिस्बत इसके जब डिफ्यूजन हो रही हो, बिकॉज इन इफ्यूजन देयर इज नो कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और डिफ्यूजन क्या है जी कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिमिटेड, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है लिमिटेड होती है डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है जी कि इफ्यूजन हैपेंस और इज फैसिलिटेटेड व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ प्रेशर, जो कि बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिफ्यूजन जो होती है इट इज बेसिकली ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर। डिफरेंस इन प्रेशर, जब एक जगह प्रेशर ज्यादा हो और एक जगह प्रेशर कम हो तो उस जगह पर इफ्यूजन होती है। उसके बाद अगर हम डिफ्यूजन देखें तो डिफ्यूजन हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो गिव अ बिग थम्स अप टू माय वीडियो इफ लाइक इट, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।